देश ने 21वीं सदी के लिए नए भारत के निर्माण के लिए बड़े संकल्प लेकर के कदम उठाए हैं। ये संकल्प सिर्फ सरकार के नहीं, ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के हैं, देश के युवाओं के हैं। बीते 5 वर्षों का अनुभव दिखाता है कि देश के युवा जिस मुहिम के साथ जुड़ जाते हैं उसका सफल होना तय है। भारत स्वच्छ हो सकता है या नहीं, इसको लेकर 5 वर्ष पहले तक एक निराशा का भाव था, लेकिन देश के युवा ने कमाल संभाली और परिवर्तन सामने दिख रहा है। 4-5 वर्ष पहले तक अनेक लोगों को यह भी असंभव लगता था कि भारत में डिजिटल पेमेंट का प्रसार इतना बढ़ सकता है क्या, लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ बता रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ वर्ष पहले तक कैसे देश का युवा सड़कों पर था ये भी हमने देखा है। तब लगता था कि देश में व्यवस्था को बदलना मुश्किल है, लेकिन युवाओं ने ये बदलाव भी कर दिखाया। साथियों, युवा जोश, युवा ऊर्जा ही 21वीं सदी के इस दशक में भारत को बदलने का आधार है। एक प्रकार से 2020 ये जनवरी महिला एक प्रकार से नववर्ष की शुभकामनाओं से शुरू होता है, लेकिन हम ये भी याद रखें कि ये सिर्फ नववर्ष नहीं है, ये नया दशक भी है। और इसलिए हमें अपने सपनों को इस दशक के संकल्प के साथ जोड़ करके सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक उमंग के साथ और अधिक समर्पण के साथ जुड़ना ही है। नए भारत का संकल्प आपके द्वारा ही पूरा किया जाना है। ये युवा सोच ही है जो कहती है कि समस्याओं को टालो नहीं। अगर आप युवा हैं तो समस्या को टालने की कभी सोच ही नहीं सकता है। युवा है मतलब समस्या से टकराओ, समस्या को सुलझाओ, चुनौती को ही चुनौती दे डालो। इसी सोच पर चलते हुए केंद्र सरकार भी देश के सामने उपस्थित दशकों पुरानी चुनौतियों को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है।